नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज टपरी। दोस्तों, ये आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एमएस एक्सेल के ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं। आपको फाइल टैब में एकदम डाउन में एकदम फुटर लेवल पे आपको ऑप्शंस का एक टैब मिला होगा। वो टैब किस तरह से काम करता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जरा सा भी टाइम वेस्ट ना किए हुए जल्दी से शुरू कर देते हैं हमारा आज का फंक्शन ऑप्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमानंद घाग और अभी शुरू करेंगे ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं। हमारी फाइल टैब में सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस का टैब मिलता है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एमएस एक्सेल की आपकी जो वर्कबुक है, जो वर्कशीट है, जो आपका एमएस एक्सेल का प्रोग्राम है, उसकी सारी सेटिंग्स मिलती है। ये फंक्शनल सेटिंग्स होती है। यहाँ से आप ज्यादा बड़े बड़े सेटिंग्स नहीं सेट कर सकते, बट जो भी एमएस एक्सेल की फंक्शनल सेटिंग्स है वो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यूजर इंटरफेस ऑप्शन है, मिनी टूल बार आपको देखना है तो यहाँ से हटा देंगे तो निकल जाएगा। शो क्विक एनालिसिस ऑप्शन सिलेक्शन है। यहाँ पर आपको देखेंगे ये काम की चीजें है। यहाँ पर जरा सा भी आप कभी भी टच ना करें। आपको अगर देखना है, देखो आपको फॉन्ट आपका सेट करना है तो यहाँ पर मैं टाइम्स न्यू रोमन सेट कर देता हूँ। देखो, मैं जाता हूँ एंड टाइम्स न्यू रोमन सेट कर देता हूँ। यहाँ भी नहीं आ रहा है तो मैं डाउन में यहाँ पर मैं टी सिलेक्ट कर लिया तो मेरे को टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करूंगा तो जब भी मेरा एक्सेल शीट फाइल में ओपन करूंगा तो ओपन करने के बाद मेरा हमेशा जो फॉन्ट आएगा वो टाइम्स न्यू रोमन में आएगा। मेरा फॉन्ट साइज भी यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ, जो भी मुझे फॉन्ट साइज चाहिए। मेरा व्यू क्या रहेगा वो व्यू मैं सेट कर सकता हूँ। ओके, इंक्लूड दिस शीट्स में कितने शीट्स होने चाहिए, शीट्स में मतलब जो भी एक्सेल शीट आपका ओपन होता है तभी आपके कितने एक्सेल शीट्स होने चाहिए वो एक्सेल शीट्स आप डिसाइड कर सकते हो। देखो, एक वर्कबुक में आपके 255 एक्सेल शीट्स का आपका लिमिट रहता है। ओके, देखो आपको यहाँ पर आप एरो लेके जाते हो तो देखो आपको मैसेज मिलेगा वोल नंबर फ्रॉम 1 to 255, मतलब एक वर्कबुक में आप 255 एक्सेल वर्कशीट्स को आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, प्री इंसर्ट कर सकते हो। ये आप नीचे आओगे तो यूजर नेम, मेरा नाम यहाँ पर है। ओके, अब तो यहाँ पर मैं फॉर्मूलाज में जाओगे तो देखो फॉर्मूलाज आपका हमेशा ऑटोमेटिक होना जरूरी है। आपका अगर बड़ा डेटा होगा तो मैनुअल रखिए क्योंकि वहां पर आपका टाइम स्पेंड होता है, इसलिए अदरवाइज आपका ऑटोमेटिक ही रहेगा। उसके बाद आपका प्रूफिंग है, प्रूफिंग मतलब आपका स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग चेकिंग एंड ऑल दिस, प्रूफिंग करना वगैरह, ये बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। आप जहाँ पर जरा सा भी हाथ मत लगाइएगा, जो प्री सेटिंग्स रहेगी वही रखिएगा। सेव फाइल फॉर्मेट्स, आपका सेव फाइल फॉर्मेट्स आपको कौन सा होगा वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर ऑटो रिकवरी, आप कितने टाइम ऑटो रिकवर कौन से टाइम में होना चाहिए वो टाइम आप सेट कर सकते हो। आपका फाइल, आपका रिकवरी फाइल कहाँ पर रहेगा, आपका जनरली आपका फाइल्स कहाँ पर सेव होना चाहिए, ये एच एंड एवरीथिंग, आपका हर एक फाइल रिलेटेड चीज़ आप सेव करने के हर कोई भी छोटी छोटी चीज़ आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। आपकी लैंग्वेजेस यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। उसके बाद एडवांसेस में बहुत ही अलग अलग लेवल के ऑप्शन है, ये हम आगे जाके देखेंगे। आगे जाके हम इसको अपने अपने जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और प्रोजेक्ट्स में हमको ये यूज़ होगा तभी मैं आपको ये एडवांस के ऑप्शन दिखा देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लोर करा देता हूँ। तब तक के लिए आप यहाँ पर कोई भी कुछ भी चीज़ को छेड़े ना। ओके, उसके बाद कस्टमाइज रिबन है। ये कस्टमाइज रिबन एक्चुअली है क्या? अभी कस्टमाइज रिबन में देखो, आपने यहाँ पर देखा होगा ऊपर हमारे अलग अलग टैब्स हैं, इनको हम रिबन्स बोलते थे। रिबन्स में अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये देखो आपके जो रिबन्स है ना, देखो आपके रिबन्स के नाम आपको यहाँ के यहाँ ऊपर जो आपके रिबन्स के नाम है ना वो सारे नाम यहाँ पर मैच हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर रिबन्स होते हैं। ओके, देखो क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है। देखो मैं इसको इंसर्ट के अंदर, अब यहाँ पर देखो क्लिपबोर्ड करके है ना, तो मैं इसको जैसे ही मैं खोलूंगा देखो यहाँ पर मुझे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, अलग अलग एक्सप्लोर। आप छोटा छोटा आप ओपन करके एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, आपको फटाफट मिल जाएगा एक्चुअली ये है क्या। तो इसमें से आपको कुछ हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ पर रखना है तो आप रख सकते हो। देखो मैं डेवलपर यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर ऊपर एक डेवलपर टैब है, मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा वहां से डेवलपर टैब हट। ओके, तो मुझे वो बोल रहा है एक्सेल एक बार क्लोज करके। देखो यहाँ से डेवलपर टैब हट गया। ओके, वापस में गया, ऑप्शंस में गया, ऑप्शंस में जाके सिस्टम रिबन में गया, यहाँ पर कस्टम रिबन में डेवलपर टैब ओपन किया, देखो मेरा डेवलपर टैब यहाँ पर वापस आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने
एक्सेल को मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने अपने जो रिबन्स चाहिए वो रिबन्स को रख सकते हो। ये अभी मैंने आपको शुरुआत में बात की थी क्विक एक्सेस टूल बार। दोस्तों देखो क्विक एक्सेस टूल बार मतलब आपका ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शंस आपको इमीडिएट यूज करने हैं वो इमीडिएट यूज करने वाले ऑप्शंस आप यहाँ पर रख सकते हो। अब यहाँ पर ऐड कैसे करना है, देखो यहाँ पर आप अलग अलग कमांड्स मिलेंगे, मैं यहाँ पर जाता हूँ ऑन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा सा फंक्शन है दैट इज कैमरा वाला फंक्शन, तो कैमरा वाले फंक्शन को मैं अभी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सी दबाया मैंने तो सी में सी के सारे ऑप्शंस आ गए, तो यहाँ पर मुझे देखना है कैमरा कहाँ आ रहा है। देखो यहाँ पर कैमरा आया तो कैमरा में मैं क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा तो कैमरा मेरा अभी देखो नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर मेरा कैमरा ऐड हो जाएगा। मैं ओके कर देता हूँ, ओके करने के बाद देखो यहाँ पर मेरा कैमरा ऐड हो गया। अब ये कैमरा काम कैसे करता है, छोटा सा एक ऑप्शन है आपको दिखा देता हूँ लगे हाथ चलो। ओके डेटा मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और कैमरा पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर इसको इधर डाल दिया। देखो ये आप देखोगे कि ये पूरा एज इट इज का एक रेप्लिका बन गया। यहाँ पर मैं जनरल की जगह पे ई डाल देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, देखो यहाँ पर भी चेंज हो गया। ये कैमरा फंक्शन का यूज क्या होता है और किस तरह से यूज करना है इसको मैं आपको और अच्छे से आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए जस्ट समझने के लिए जस्ट आया तो आपको दिखा दिया एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है, इसको आगे हम लोग अच्छी तरह से यूज करेंगे। तब तक के लिए पूरे ऑप्शन को आप अपने आप से प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। कुछ क्वेरीज है, क्वेरीज आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, या जो भी अलग अलग अपने कम्युनिकेशन मोड्स है वो अलग अलग कम्युनिकेशन मोड से आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, मुझे पूछिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटना चाहिए और ज्ञान बांटने के लिए कोई भी आपको फीस नहीं लगता दोस्तों, तो हमेशा ज्ञान बांटते रहना चाहिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में और अच्छे ऑप्शंस लेके और अच्छा फीचर्स लेके मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।